1968 तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस का ऑफिस था दिल्ली में, कनॉट प्लेस में. क्या कर रहा था वो यहाँ पर? आई बी यूज टू रिपोर्ट टू देम. ठीक है, 68 तक. शर्म आनी चाहिए हमको. ये उस टाइम पे है जब पाकिस्तान से आप एक लड़ जंग ऑलमोस्ट, मतलब इट वॉज अ बैड बैड वॉर 65 की. ठीक है, अगर आप बोलें कि आप जीत गए, हाँ ठीक है, एज एन इंडियन आई विल से आई विल आई हैव वन, बट वी डिडंट विन. विन यू नो विन होता है 71, टांगे तोड़ दी उनकी, दैट इज अ विन. 65 वाज नॉट अ विन. वैसे तो देखिए देखिए, आपने आप लाहौर एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए थे और ऑल एयरक्राफ्ट नीडेड योर परमिशन टू लैंड एंड टू टेक ऑफ, तो वो किया तो था. तभी तो वो बेचारे जो है वो कहते हैं कि यार हम तो गए थे कश्मीर लेने और पता चला लाहौर लाहौर छूटे. उसको बोलते हैं क्या, दिफाए पाकिस्तान. पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को बचा लिया. ठीक है, अभी इन्होंने बोला यार ठीक है, हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. अब ये डेमोक्रेसी को इतना ऐसे अंडरमाइन करो कि कोई लीडर खड़ा ना हो सके दुनिया में. मुझे बता दीजिए सर, गिनती के देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी ने एक स्ट्रांग लीडर खड़ा किया हो. प्लीज लुक बैक इन टू हिस्ट्री कि भाई वो ऐसा लीडर है कि कोई खड़ा नहीं हो पा रहा उसके सामने. वेरी फ्यू, गिनती के लोग. यू कैन से मार्गरेट थैचर वॉज वन ऑफ दीज पीपल, बिकॉज अपने देश के लिए उसने काफी कुछ अच्छा किया था, लेकिन बाहर के लिए वो शी वाज अ यूजलेस पर्सन. रोनाल्ड रेगन मे बी टू एन एक्सटेंड. मोदी है, ठीक है, वो जापान में जो प्रीवियस थे जिनको भी मार दिया था, शिंजो आबे. कई ऐसे लीडर्स उभरे हैं लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं रही है, बिकॉज वो जो एक स्ट्रक्चर है डीप स्टेट का, वो बोलता है यार ना ये ज्यादा पॉपुलर है उसको हटाओ. आई डोंट केयर पीपल डाई यार, क्या फर्क पड़ता है, प्रोपेगेंडा चलाओ. इधर आ तू, USCIRF तू लगा, ये कुछ ये कर तू यार, फ्रीडम ऑफ इंडेक्स रिपोर्ट निकाल तू, रिलीजियस फ्रीडम निकाल, ये निकाल वो निकाल, इधर इसको हटाओ इसको यहाँ से. इट्स दिस इज ऑल जस्ट पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर कि भाई किसी को भी खड़े नहीं होने देना ताकि हम राज करें. डीप स्टेट का एंड में प्रेसिडेंट हो तो बाइडेन जैसा हो, एक ही लॉ है कि हमको दुनिया कैसे चलानी है.